गुरुवार को चौहान इंपीरियल में कांग्रेस पार्टी की ओर से संभागीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कि छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा विशेष रूप से उपस्थित रहीं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री एवं कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी इस सम्मेलन में उपस्थित रहे। हजारों की संख्या में कांग्रेसियों ने इस सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। आगे आगामी चुनाव को देखते हुए कांग्रेस की ओर से तैयारियां शुरू की जा रही है। इस कार्यक्रम में भी कांग्रेस नेता एवं पदाधिकारी पूरे जोश में दिखे। छत्तीसगढ़ प्रभारी शैलजा एवं मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी। देश भी दिए, जानकारियां भी ली, इसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही एमएसपी के मामले में ऊंट के मुंह में जीरा। देखिए, यूपीए के समय यूपीए सरकार में 130% वृद्धि हुई थी, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ धान का कटोरा 130% वृद्धि हुई थी। और इसके समय अभी जो मिला के बात करें तो 66-67% हो रहा है, तो हमने 130% वृद्धि की। ये 66% में मतलब सीधा सीधा आधा, मतलब किसानों के साथ सीधा धोखा है, क्योंकि आपने स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट लागू करने की बात की थी। पिछले 5 साल पहले आप देखेंगे, चुनाव के पहले मोदी जी सरकार ने 200 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की थी, और अभी 143 रुपया किया है। इसका मतलब ये है कि पिछले समय जो दिए थे, चुनाव समय भी उन्होंने कटौती कर दी। इसका मतलब ये है कि किसान की सरकार नहीं है, किसानों को उनको वोट नहीं चाहिए। विधायकों से कोई नाराजगी नहीं है, अधिकांश विधायकों के रिपोर्टदार बहुत अच्छे हैं। किसी विधायक के भी कुछ कमजोरी है, तो 4 महीना भी समय है और उसके बाद पार्टी तय करेगी, हाईकमान तय करती है। सारे हम लोग रिपोर्ट देंगे। शैलजा जी यहाँ लगातार हैं, वो हर विधानसभा जा रही हैं, हर जिले, हर संभाग, हर विधानसभा में जाएंगे, तो वो सब चीज़ें देखेंगे। सर्वे भी होगा, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन सबके व्यू ले जाएंगे, और उसके बाद फिर अंतिम। अरे पिछले समय तो उसको लड़ने के लायक नहीं समझे थे, पाटन में वो बाहर से लाए थे पैरासूट। उसके लिए अलग से रणनीति बनाएंगे, और दोनों चुनाव के मामले में रमन सिंह जो व्यवस्था करके रखे हैं ना, वही व्यवस्था चल रही है। मैं तो चाहता था पता बंद करूं, लेकिन अब कोरोना भी आ गया, जो परिस्थितियां बनी और लोग जहरीली शराब पी के मर गए, नकली शराब पी, सैनिटाइजर पी के मर गए, तो अब हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं बंद कर दूँ। लोग इस प्रकार से यदि जहरीली शराब पिए और लोगों की मौतें हो जाए, तो मैं हिम्मत नहीं करता। 2030 का लक्ष्य यही है कि जो हमारे कार्यकर्ता ज़मीन पर कार्य करते हैं, पिछली बार भी उन्होंने इतनी मेहनत की, हमारी सरकार बनी। और अगर हम दुर्ग संभाग की बात करें तो यहाँ से मुख्यमंत्री खुद हैं और यहाँ का कार्यकर्ता पूरे जोश में है, यहाँ काम किया है। पहले भी हमें 20 में से 17 फिर 18 सीटें यहाँ से जीत कर दी हैं, और आने वाले समय में, क्योंकि ना केवल दुर्ग संभाग में लेकिन पूरे राज्य में जिस प्रकार से हमारी सरकार ने कार्य किया है बघेल जी के नेतृत्व में, हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश की जनता हमारे साथ है। और आज के दिन बात की जाती है छत्तीसगढ़ मॉडल की, पूरे देश में बात की जाती है, तो काम करके दिखाया है, लोगों में उत्साह है, और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारा कार्यकर्ता पूरा उत्साहित होकर नीचे ज़मीन पर, ग्रास रूट लेवल पर फिर से कार्य करेगा, क्योंकि सरकार की जो स्कीमें हैं उनके बारे में भी लोगों को अवगत कराएंगे और लाभार्थी हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी वर्ग आज के दिन ऐसा बचा होगा छत्तीसगढ़ में, चाहे वो गरीब से गरीब हमारा मजदूर है, किसान है, चाहे शहरों में हमारे लोग बस रहे हैं या गांवों में हैं, तो हर तरह से उनकी शिक्षा का प्रबंध अच्छे से अच्छे उम्दा स्कूल, वर्ल्ड क्लास स्कूल में उनके बच्चे आज पढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा उनके घर तक, उन तक पहुंच रही है, ना कि उन्हें कहीं और जाना पड़े। और इसी प्रकार से चाहे
वन उपज की बात हो, हर तरह से हर एक को, महिलाओं के लिए जो मैंने खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा है, जो उनके समूह काम कर रहे हैं, विदेशों तक से उनको ऑर्डर मिलते हैं, तो हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारा कार्यकर्ता उत्साहित होकर नीचे ज़मीन पर कार्य कर रहा है, आगे और ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि चुनाव आ रहा है 23 का विधानसभा का और 24 का लोकसभा का, और इसके साथ साथ जनता में एक नई उमंग है और दोबारा से यहाँ हमारी सरकार बनेगी। देखिए, संभाग स्त्री सम्मेलन का जो आयोजन हमारे दुर्ग संभाग में हुआ, दुर्ग विधानसभा में हुआ, संभाग भर से जो कार्यकर्ता आए थे, बहुत उत्साह से लवरेज थे, और वो इस बात को महसूस कर रहे थे कि अब हम भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ करके ही रहेंगे। पिछले बार तो भारतीय जनता पार्टी 15 सीट में सिमटी थी, अब जो वो सोई रही उन्हें 5 वर्षों तक कुंभकर्णी नींद में, तो वो 5 भी सीट पा ले तो यह उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए हम हमेशा इस बात को कहते हैं और महसूस भी करते हैं, और कहावत भी है, जो जागत है सो पावत है और जो सोवत है सो खोवत है। कांग्रेस पार्टी हमेशा जागती है, लोगों के लिए काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं रहती तब भी सोती है, और सत्ता में आ जाती है तब भी सोती है, लेकिन सोते सोते अपना विकास जरूर करती है। आपने देखा होगा इन 4.5 वर्षों में जो तरक्की हुई इस प्रदेश की, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूं, क्योंकि हमारे विधानसभा क्षेत्र में यह सम्मेलन हुआ और हम सब की जिम्मेदारी थी, और हमारे पार्टी के सभी नेताओं ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत अच्छे ढंग से किया, कहीं कोई कमी किसी कार्यकर्ता ने नहीं की, जिसका परिणाम है कि यह सफल आयोजन रहा। हमारे प्रदेश के मुखिया आए और हमारी राष्ट्रीय नेता कुमारी शैलजा जी भी यहाँ आई, वो भी बहुत खुश होकर गई, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी सहित बहुत से नेता यहाँ पाए, सब ने इस बात को महसूस किया कि दुर्ग जिले से ही हम फतेह हासिल करेंगे। 18 विधानसभा है, 20 विधानसभा है, 20 में 18 में कांग्रेस पार्टी का कब्जा है, और आने वाले समय में दुर्ग संभाग में 20 के 20 विधायक कांग्रेस पार्टी के होंगे, इस बात का संकल्प लिया है। देखिए, अर्बन में भी काम हुए हैं और रूरल में भी काम हुए हैं, दोनों में समान रूप से काम हुए हैं। मैं ही अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने हमको 400 करोड़ रुपए की राशि डेवलपमेंट के लिए दी, विकास कार्यों के लिए दी। आज जो दुर्ग का विकास देख रहे हैं, आप दुर्ग का स्वरूप देख रहे हैं, पहले जो आवश्यकता थी उस हिसाब से था दुर्ग, पहले 15 साल पीछे चले गया। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में यहाँ कुछ भी काम नहीं हुए, लेकिन इन 5 वर्षों में जो काम हुए वो दिख ले रहे। मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे को राजनीतिक रूप से इस बात को नहीं कह रहा हूँ, मैं जनता की आवाज़ बन के बोल रहा हूँ कि जनता इस बात को महसूस कर रही है कि इन 4.5 वर्षों में काम हुआ है और हम सब लोगों ने मिलकर किया है भूपेश बघेल के नेतृत्व में। हाँ, आज संभागीय स्तरीय सम्मेलन था, आज हम लोगों के कांग्रेस की तरफ से एक तरह से आगाज है ये चुनाव प्रक्रिया के लिए, और आज CM साहब और शैलजा जी यहाँ जो पधारी, उससे लोगों में उत्साह देखते बन रहा था, और लोगों में कि उत्साह है कि आने वाले 23-24 का जो चुनाव है उसमें पूर्ण रूप से सब सहमत होकर अच्छा कार्य करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने इतने अच्छे कार्य किए हैं कि इन 4.5 साल कार्यकाल में कि उन्होंने ऐसी कई योजनाएं निकाली जिससे लोगों को बहुत बेनिफिट मिला है, और आने वाले समय में भी बहुत सी ऐसी योजनाएँ निकालेंगे जिससे लोगों को फ़ायदा मिलेगा। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में फिर से ये मुख्यमंत्री बने और यहाँ के छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दिलाएं और युवा बेरोजगारों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दिलाएं, जिससे युवा बेरोजगार हमारे कांग्रेस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। और हम चाहते हैं जो दीन दुखी हैं, जो दिव्यांग हैं, ऐसे लोगों के लिए भी कुछ ऐसा कार्य किया जाए कि जिससे उनके मन में भी एक भावना उपजे कि कांग्रेस हमारे लिए कुछ करती है, कांग्रेस क्योंकि जो बोलती है वो करती है। माननीय मुख्यमंत्री ने जो